बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर झिरी गांव की प्राथमिक स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत ये रही कि छत अवकाश के दिन गिरी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया है। छत गिरने के बाद पालकों ने आक्रोश जताया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्कूल भवन सालों पुराना है, जिसके चलते कई बार दीवारें जगह जगह से प्लास्टर उखड़कर गिरता है। बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक इसकी सुध तक नहीं ली है। जल्द जर्जर भवन को ढहाकर नवीन स्कूल भवन बनाने की मांग भी ग्रामीणों ने की है। बता दें कि स्कूल की छत गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है। अगले दिन शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल पहुंचे तो गिरी छत देखकर हैरान हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन काफी पुराना है, जो कि जर्जर हो चुका है। जर्जर भवन की मरम्मत के लिए शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को कई दफा आवेदन दिए, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और इधर BRC नरेंद्र दुबे ने कहा कि पिछली बार स्कूल की छत की मरम्मत कराई थी, अब शिक्षा विभाग पुराने भवन को ढहाकर नया भवन बनाने की मांग की जाएगी। सर, शिक्षा विभाग से भी कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, और हम लोग हर बार वीडियो डाल, जब भी बारिश का सीजन होता है पूरी स्कूल गलती है हमारी, और इधर का जो पुरानी बिल्डिंग है ये तो बहुत ज्यादा गलती है, और गिरने का डर पहले से ही हमको बना हुआ था, कभी भी गिर सकती है ये, तो इसके लिए हमने लिखित में भी दिया है, शिकायत की है, लेकिन इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला है। बहुत दिन से अतिवृष्टि हो रही है जी। अतिवृष्टि के कारण पुराना भवन था, बच्चों की छुट्टी थी कल, छत का एक पोर्शन गिर गया है, उसको डिसमेंटल करके और नए भवन के लिए हम मांग करेंगे शिक्षा विभाग से, जल्द ही यहाँ पर इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे।